हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ शेयर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे हाफ किलो चिकन ले लिया है, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, 3 आलू 3 टमाटर 3 प्याज और यहाँ पर 1.5 टमाटर ले लिया है, धनिया पत्ता और ये दही। तो चलिए पहले मैं सब्जी को कट कर लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सारे सब्जियों को काट लिया है। ये मैंने ग्रेवी के लिए काटा है, तो इसको मैं मिक्सर मशीन में मिक्स कर लूँगी और आलू फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर ये स्लाइस करके छोटा छोटा पतला पतला करके मैंने प्याज को भी काट लिया। तो चलिए पहले मैं इसको मिक्सचर कर लेती हूँ, देन रेसिपी प्रोसेस में चलते हैं। देखिए मैंने मिक्सचर कर लिया है ग्रेवी के लिए और यहाँ पर कढ़ाई भी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें तेल डाल के तेल को भी हम गरम कर लेंगे। तेल को हम गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें भी हम आलू फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। आलू को सॉफ्ट होने तक हम फ्राई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। मैंने आलू को गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। अभी इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और ऐड कर देंगे, क्योंकि इसी में अभी हमारा पूरा सब्जी बनेगा। अभी तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें खड़ा गरम मसाला यूज़ करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे 4 छोटे इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग ले लिया है और मैंने तेज़पत्ता भी ले लिया है 2 से 3। इसको थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेंगे। और अभी हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को अभी हम सॉफ्ट होने तक इसमें पका लेंगे। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है, अभी ये मिक्सचर किया हुआ ये डाल देंगे। पाँच से छः मिनट के लिए इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। अभी इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। एक चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक चम्मच चिकन मसाला, मैंने यहाँ पे मिक्सी जार को थोड़ा सा अच्छा पानी से वॉश कर लिया है, इसी का पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। अभी मसाले को भी हम 5 से 6 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे। मसाला हमारा पक चुका है, अभी हम इसमें दही ऐड कर देंगे।
दही को भी अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही को भी मैंने मिक्स कर दिया है, इसको भी मैं अभी 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। दही को भी मैंने मसाले के साथ 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको लेड लगा के 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे और बीच में हम चलाते रहेंगे। देखिए चिकन भी अभी सॉफ्ट हो गया है, इसमें भी हम आलू ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। इसको अभी हम चला के इसको लीड लगा के छोड़ देंगे 2 से 4 मिनट के लिए। हमारी सब्जी रेडी हो गई है, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है, अभी इसमें हम बॉयल आने देंगे। चिकन हमारा रेडी हो गया है, अभी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको हम बोल में ले लेंगे। देखिए मैंने चिकन को बोल में निकाल लिया है। तो हमारी रेसिपी रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।